Welcome everyone. Today we are going to see a story, The Boy Who Broke the Bank, written by Ruskin Bond. Okay? The Boy Who Broke the Bank, इस story को आज हम देखने वाले हैं, इस chapter को हम देखने वाले हैं, जो किसने लिखा है? Ruskin Bond ने. तो story की शुरुआत होती है एक sweeper boy से, ठीक है, जिसका नाम है नथु. इससे शुरुआत होती है हमारी स्टोरी की. आई एम गोइंग टू रीड द स्टोरी फर्स्ट, देन आई एक्सप्लेन इट टू यू. ओके. नथु grumbled to himself as he swept the steps of People Nagar Bank owned by Seth Govindra. अब जो स्वीपर बॉय है ये, जिसका मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, उसका नाम क्या है? नथु. वो जो क्या कर रहा था, अपने आप में गुस्से से बड़बड़ा रहा था और क्या कर रहा था, पीपल नगर की जो बैंक है उसके स्टेप्स को जो है झाड़ू लगा रहा था, उसको साफ कर रहा था. अब ये बैंक का ओनर कौन है? सेठ गोविंद्रा. ओके. ही यूज टू ब्रूम हरिडली एंड केयरलेसली. अब वो झाड़ू कैसे लगा रहा था? बिल्कुल ही जल्दी जल्दी में और लापरवाही से झाड़ू लगा रहा था. यानी जब आपका कोई काम करने का दिल ना हो तो आप इसको कैसे करते हो? जल्दी जल्दी बस उसको आपको ख़त्म करना होता है उस काम को. बिल्कुल इसी तरह जो है वो कौन नथु इस काम को कर रहा था. एंड द डस्ट आफ्टर राइजिंग अ क्लाउड अबव हिज हेड सेटल डाउन अगेन ऑन द स्टेप्स. यानी जिस तरह से वो झाड़ू लगा रहा था, बिल्कुल जो है वो डस्ट ऊपर उड़ रही थी और दोबारा से जो है उसी जगह पर स्टेप्स पर वो वापस जाकर बैठ जा रही थी. एज नथु वॉज बैंगिंग हिज पैन अगेंस्ट अ डस्टबिन. जैसे ही वो क्या कर रहा था, जो है जिस पैन में हम जो डस्टबिन जिस पैन में हम कूड़ा कचरा उठाते हैं, उस पैन को जो है गुस्से से वो क्या कर रहा था, डस्टबिन पर पटक रहा था. सीताराम द वॉशरमैन सन पास्ड बाय. अब इस मोमेंट पर किसकी एंट्री होती है? सीताराम की. सीताराम जो है वो एक वॉशरमैन है, वॉशरमैन का बेटा है, उसकी एंट्री होती है. ठीक है. सीताराम वॉज ऑन हिज डिलीवरी राउंड. सीताराम क्या कर रहा था, उसके जो कपड़े जो डिलीवर करने होते हैं उसके राउंड पर था. ही हैड अ बंडल ऑफ फ्रेशली प्रेस्ड क्लोथ्स बैलेंस ऑन हिज हेड. अब उसके सर पर क्या थे, जो अभी अभी धुलकर प्रेस होकर आए हैं जो क्लोथ्स, उसका जो है गट्ठा उसके सर पर रखा हुआ था. डोंट रेज सच डस्ट, ही कॉल्ड आउट टू नथु. आर यू annoyed बिकॉज दे आर स्टिल रिफ्यूजिंग टू पे यू एन एक्स्ट्रा 2 rupees अ मंथ. अब ये जो है सीताराम, जो एक वॉशरमैन था, एक धोबी था, वो क्या करता है, नथु को कहता है कि इतनी धूल को मत उड़ाओ, इतनी डस्ट मत उड़ाओ. क्या तुम अभी तक इसलिए गुस्सा हो कि वो लोग तुम्हें जो है एक्स्ट्रा 2 rupees अमाउंट जो है तुम्हारा मंथली वो पे नहीं कर रहे, इसलिए क्या तुम गुस्सा हो? अब वो जो है नथु जो है किसी बैंक के लिए काम करता है, ठीक है, पीपल नगर की बैंक के लिए काम करता है. तो सीताराम उससे क्या पूछना चाहता है कि तुम ये जो गुस्से से काम कर रहे हो, गुस्से से झाड़ू लगा रहे हो, बेदिली से काम कर रहे हो, क्या तुम इसकी वजह शायद ये होंगी कि वो लोग तुम्हें जो एक्स्ट्रा पेमेंट है वो नहीं दे रहे, शायद इसलिए तुम गुस्सा होंगे. ठीक है. ये ऐसा जो है नथु से पूछता है. आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट, कंप्लेंट द स्वीपर बॉय. क्या कहता है नथु, मुझे इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी. आई हैवन्ट इवन रिसीव माई रेगुलर पे सिंस 2 months. मुझे जो है एक्स्ट्रा अमाउंट तो छोड़ो कि जो मेरी रेगुलर पेमेंट है वो भी मुझे अभी तक 2 महीने से वो अभी तक मुझे मिली नहीं है. हु वुड थिंक दिस बैंक होल्डिंग अप अ पुअर मैन सैलरी. कौन सोचेगा कि जो है इस बैंक ने एक गरीब बच्चे की, एक गरीब लड़की की जो सैलरी है वो रोक कर रखी है. As soon as I get my money, I'm off. जैसे ही मुझे मेरे पैसे मिलते हैं मैं जो है अपना काम ख़त्म कर लूँगा. Not another week I will work in this place. यानी एक और हफ्ता भी जो है मैं इन लोगों के लिए काम नहीं करूँगा. And Nathu banged the pan against the dustbin. ऐसा कहकर वो गुस्से से जो है दोबारा से जो है पैन को डस्टबिन पर पटक देता है. Well, I wish you luck, सेठ सीताराम. सीताराम जो है क्या कहता है कि मैं तुमको लक विश करता हूँ कि तुम्हारा जो है अच्छा हो. आई बी ऑन द लुक आउट फॉर अ न्यू जॉब फॉर यू. यानी मैं भी क्या करूँगा, तुम्हारे लिए जो है एक नई जॉब ढूँढूँगा. एंड ही प्लैडेड बेयरफुट अलोंग द रोड. अब जो है वो क्या करता है, उसको कहता है कि मैं भी तुम्हारे लिए जो है जॉब ढूँढूँगा. ये कहकर जो है वो जो है प्लेडेड का मतलब होता है डोलते हुए. अब जैसे कि उसके सर पर बहुत ज़्यादा वजन था तो वो डोलते हुए जो है नंगे पैर रोड पर चलने लगा. द बिग बंडल ऑफ क्लोथ्स हाइडिंग मोस्ट ऑफ हिज हेयर एंड शोल्डर. जो उसके सर पर जो वजन कपड़ों का जो है ढेर था
उसने क्या कर लिया था, ज़्यादातर उसका हेड और शोल्डर कवर कर चुका था वो बंडल ऑफ क्लोथ, ठीक है। एट द फोर्थ हाउस ही विजिटेड डिलीवरिंग द वॉशिंग, सीताराम ओवरहर्ड द वुमेन ऑफ द हाउस सेइंग हाउ डिफिकल्ट इट वॉज टू गेट समवन टू स्वीप द कोर्टयार्ड। यानी जैसे ही वो डिलीवरी कर रहा था कपड़ों की, जैसे ही वो चौथे घर में पहुंचा, उसने सुन घर में जो लेडी है, घर की जो मालकिन है, उसको कहते हुए सुना कि इतना कितना मुश्किल काम है किसी को ढूंढना जो है घर का बरामदा झाड़ सके, उसको झाड़ू लगा सके। एक इसके लिए किसी वर्कर को ढूंढना कितना मुश्किल काम है। आई नो ऑफ अ स्वीपर बॉय हु इज़ लुकिंग फॉर अ वर्क, ही माइट बी एबल टू वर्क फॉर यू नेक्स्ट मंथ। अब जो है वो जैसे ही सुनता है कि घर की लेडी जो है कंप्लेन कर रही है जिसको जो है एक स्वीपर बॉय की ज़रूरत है अपना बरामदा साफ़ करने के लिए, उसको वो क्या कहता है, मुझे पता है कि एक स्वीपर बॉय जो आपके काम आ सकता है और वो खुद भी जो है एक नौकरी की तलाश में है, शायद वो आपके लिए नेक्स्ट मंथ से काम करना शुरू कर दे। ही इज़ विथ सेठ गोविंदराम्स बैंक जस्ट नाउ but they aren't giving him his pay and he wants to leave। अब वो क्या कहता है कि फ़िलहाल जो है आपके लिए वो नेक्स्ट मंथ से काम करेगा, लेकिन फ़िलहाल जो है वो किसके लिए काम कर रहा है, सेठ गोविंदराम की बैंक के लिए काम कर रहा है, पर वो लोग जो है उसको जो है उसकी पेमेंट नहीं दे रहे, ठीक है, दे आर नॉट पेइंग हिम, इसलिए जो है वो क्या करना चाहता है, उस जॉब को छोड़ना चाहता है। ओ इज़ दैट सो, सेड मिसेस प्रकाश। मिसेस प्रकाश जो उस घर की मालकिन थी वो क्या कहती है कि क्या ऐसी बात है, एंड वाई आर एन दे पेइंग हिम, और ऐसा क्यों है कि क्यों क्यों उन लोगों वो लोग उसको पे नहीं कर रहे, दे मस्ट बी शॉर्ट ऑफ मनी, यानी हो सकता है कि वो लोगों के पास पैसों की कमी हो। ये कौन कहता है, सीताराम कहता है। मिसेस प्रकाश लाफ, वेल टेल हिम टू कम एंड सी मी, यानी मिसेस प्रकाश हंसते हुए क्या कहती है, ठीक है उसको कहो कि आए और मुझसे मिले। सीताराम ग्लैड दैट ही हैड बीन ऑफ हेल्प बोथ कस्टमर एंड हिज फ्रेंड। अब जो है सीताराम को बहुत खुशी होती है कि वो जो है उसने क्या किया, एक साथ दो लोगों की मदद कर दी, कस्टमर जिसको एक वर्कर की ज़रूरत थी उसकी भी मदद कर दी, और जो उसका दोस्त था स्वीपर बॉय जिसको नौकरी की ज़रूरत थी उसकी भी उसने क्या कर दी मदद कर दी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश था, ठीक है। हॉइस्टेड हिज बैग ऑन हिज शोल्डर एंड वेंट ऑन हिज वे। अब वो क्या करता है, अपना बैग जो है अपने कंधे पर डालकर अपने रास्ते निकल जाता है। सून आफ्टर मिसेस प्रकाश सेट आउट फॉर द मार्केट टू मेक हर यूजुअल आफ्टरनून टूर ऑफ द क्लोथ शॉप, शी फाउंड हर फ्रेंड मिसेस भूषण। अब इसके बाद क्या होता है, मिसेस प्रकाश जो है सीन के बाद में मार्केट चली जाती हैं, और वो किससे मिलती हैं मार्केट में, अपनी फ्रेंड जो है मिसेस भूषण से मिलती हैं। Do you know that Sid Govindram's bank can't even pay its employees? Only this morning I heard a complaint from their sweeper boy who hasn't received his pay for 2 months, Mrs. Prakash said. Mrs. Prakash अपनी फ्रेंड को जब मिलती है मिसेस भूषण को, तो वो क्या कहती है कि तुम्हें क्या पता है कि जो सेठ गोविंदराम की बैंक है वो अपने एम्प्लॉयज़ को तक पेमेंट नहीं कर पा रही है। इसी सुबह को जो है मैंने उनके एक स्वीपर बॉय की कंप्लेंट सुनी कि वो जो है उसको 2 महीने से अपनी सैलरी नहीं मिली है। अब इट्स डिसग्रेसफुल, एक्सक्लेम्ड मिसेस भूषण। इफ दे कांट इवन पे स्वीपर दे मस्ट बी इन बैड वे। जो मिसेस भूषण है जो इस न्यूज़ को सुनती है वो कहती है कि ये तो बहुत बुरी बात है, अगर वो अपने स्वीपर बॉय को तक नहीं पे कर सकते तो इसका मतलब ये है कि बहुत बुरी हालत चल रही है बैंक की, ठीक है। मिसेस भूषण लेफ्ट मिसेस प्रकाश एट टेमराइंड ट्री एंड वेंट इन सर्च फॉर हर हस्बैंड हु वाज फाउंड सिटिंग इन जुगल किशोर्स इलेक्ट्रॉनिक शॉप टॉकिंग विद द ओनर। अब ये सुनने के बाद में मिसेस भूषण क्या करती है, उसी जगह पर जहाँ पर वो लोग दोनों मिले थे टेमराइंड ट्री के नीचे, वहीं पर जो है अपनी फ्रेंड को छोड़ती है और अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए निकल जाती है। जो कहाँ मिलता है, जुगल किशोर की इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर बैठा हुआ मिलता है, जो ओनर से बात कर रहा था। ओनर कौन है, जुगल किशोर, ठीक है। सो देयर यू आर, क्राइड मिसेस भूषण, आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू फॉर नियरली एन आवर, डिड यू नो द बैंक इज गोइंग बैंकरप्ट। अब जो है मिसेस भूषण जो है अपने हस्बैंड पर चिल्लाती है और कहती है कि तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हें जो है घंटे भर से ढूंढ रही हूँ, तुम्हें पता भी है कि जो बैंक है वो बैंकरप्ट हो रही।
What did you say? Said Mr. Jugal Kishore, sitting up suddenly. Which bank? अब जो है ये खबर को जब जुगल किशोर सुनता है मिसेस भूषण के मुंह से, तो वो कहता है कि क्या कहा तुमने, किस बैंक के बारे में बात कर रहे हो तुम? तो इस पर जो है मिसेस भूषण कहती है, व्हाई सेट गोविंदराम्स बैंक ऑफ कोर्स, आई हियर दे हैव स्टॉप्ड पेइंग देयर एम्प्लॉयज, नो सैलरी फॉर ओवर 3 months. डोंट टेल मी यू हैव एन अकाउंट विद देम. मिस्टर किशोर, अब वो क्या कहती है कि मैं किस बैंक के बारे में बात कर रही हूँ, जो सेठ गोविंद राम है उनकी बैंक के बारे में मैं बात कर रही हूँ. उन्होंने जो है अपने एम्प्लॉयर को पेमेंट तक नहीं की है. अब मुझे ये मत कहना कि आपका भी जो अकाउंट है उनकी बैंक में है. नो बट माई नेबर हैज़, ही सेट. अब ये सुनने के बाद में जुगल किशोर कहते कि मेरा तो नहीं है, लेकिन मेरा जो नेबर है, मेरा पड़ोसी जो है, उसका अकाउंट जो है उस बैंक में है. And he called out to the keeper of the barber shop next door. अब जो है बाजू में जो है एक नाई की दुकान होती है, barber shop होती है, वो वहाँ पर जाते हैं और उनका आवाज़ देते हैं. फैज़ हुसैन, have you heard the latest? Said गोविंद राम्स बैंक अबाउट टू कोलैप्स. आपको क्या कहते हैं कि तुमने क्या अभी लेटेस्ट खबर सुनी है कि जो सेठ गोविंद राम है उनकी बैंक जो है वो अभी जो है ख़त्म होने की कगार पे. यू वुड बेटर टेक योर मनी आउट वाइल देयर इज स्टिल टाइम. अब जो है तुम अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम अपना पैसा जो है निकाल लो उस बैंक से. फैज़ हुसैन, हु वॉज कटिंग द हेयर ऑफ एन एल्डरली जेंटलमैन, वॉज सो स्टार्टल्ड दैट हिज हैंड शुक एंड ही निक्ड His customers right here. अब जो फैज़ हुसैन था, जो एक बूढ़े आदमी का जो है जो कटिंग कर रहे थे, उनके ये न्यूज़ सुनकर जो है फैज़ हुसैन के हाथ जो है काँपने लगे. और उसने क्या किया, गलती से जो है उस एल्डरली मैन का जो है जो राइट ईयर है उस पर थोड़ा सा कट लगा दिया गलती से जो है. अब जैसे ही वो न्यूज़ सुनता है वो हड़बड़ा जाता है और उसका हाथ काँपने लगता है और गलती से जो है कस्टमर का राइट ईयर जो है कट जाता है. ठीक है. The customer yet with pain and distress. अब जो है कस्टमर जो है पेन से जो है चिल्लाता है और क्या करता है, हड़बड़ा जाता है, टेंशन में आ जाता है. पेन बिकॉज ऑफ कट एंड डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ ऑफिल न्यूज. अब उसको दर्द इसलिए होता है क्योंकि उसको कट लगा होता है कान पर, और दूसरा जो है वो स्ट्रेस में क्यों आ जाता है, क्योंकि उसने ये बुरी खबर सुनी हुई थी. With one side of his neck still unshorn, he leaped out of his chair and sped across the road to a general store where there was a telephone. अब जो है उसी हालत में वो उठता है और भागते हुए जो है रोड के को क्रॉस कर एक जनरल स्टोर पर जाता है जहाँ पर जो है टेलीफोन होता है, कॉमन टेलीफोन जहाँ से हम कॉल कर सकते हैं. ठीक है. He dialed Seth Govindram's number. The Seth was not at home. अब जो है वो क्या करता है, इस न्यूज़ को कन्फर्म करने के लिए वो Seth Govindram का नंबर डायल करता है, पर जो है सेठ गोविंद राम उसको घर पर नहीं मिलते. वेयर वॉज ही, जो है जो भी फ़ोन उठाता है उसको जो पूछता है वेयर वॉज ही देन. द सेठ वॉज हॉलीडेइंग इन कश्मीर. अब जो है जो घर पर फ़ोन उठाता है वो क्या कहता है कि जो सेठ जो है वो छुट्टियाँ मनाने के लिए कहा गए है कश्मीर गए. ओ वॉज दैट सो, अच्छा क्या ऐसा है. द एल्डरली मैन डिड नॉट बिलीव इट. अब जो है उसको यकीन तो नहीं आता इस बात पर, वो समझता है कि हाँ इस बात को छुपाने के लिए शायद जो है सेठ का नौकर झूठ बोल रहा होगा. ही हरीड बैक टू द बाबर शॉप एंड टोल्ड फैज़ हुसैन द बर्ड हैज़ फ्लोन, सेठ गोविंद राम हैज़ लेफ्ट टाउन. यानी जो है वो भागते हुए क्या करता है, वापस जो है फैज़ हुसैन की शॉप पर जाता है और कहता है कि जो है बर्ड हैज़ फ्लोन, यानी यहाँ पर उसने एक फ्रेज़ यूज़ किया है और कहा कि जो गोविंद राम है वो क्या क्या किया है उसने, जो टाउन छोड़कर भाग गया है. डेफिनेटली इट मीन्स अ कोलैप्स. इसका पूरा मतलब यही है कि बैंक जो है ख़त्म होने वाला है. आई हैव द रेस्ट ऑफ माई हेयर कट अनदर टाइम. अब मैं मेरा बचा हुआ जो हेयर कट है ना मैं बाद में ही कराऊंगा. एंड देन ही डैश्ड आउट ऑफ द शॉप. और इस तरह से वो क्या कर गया, शॉप से निकल गया. द न्यूज स्प्रेड थ्रू द बाजार विद रैपिडली ऑफ अ फॉरेस्ट फायर. अब जो है ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे मार्केट में जो है फैल गई. फ्रॉम द जनरल स्टोर इट ट्रैवल टू द टी शॉप, सर्कुलेटेड अमंग द कस्टमर एंड देन स्प्रेड विद देम इन वेरियस डायरेक्शंस टू द पान सेलर, द टेलर, द फ्रूट वेंडर, द ज्वेलर एंड द बेगर. अब
ये खबर जो है पूरे बाज़ार में जो है जंगल की आग की तरफ फैल गई। जनरल स्टोर से ये जो है चाय की दुकान पर पहुंची, चाय की दुकान से वहाँ पर जो कस्टमर्स बैठे थे उनके थ्रू अलग अलग डायरेक्शन में पहुंच गई, यहाँ तक कि पान की शॉप में, टेलर की शॉप पर, फ्रूट वेंडर के पास, ज्वेलर के पास, यहाँ तक कि जो सड़क पर बैठा भिखारी है उसको तक ये न्यूज़ का पता चल गया कि बैंक जो है बैंक्रप्ट हो गया। अब बाय आफ्टरनून द बैंक हैड गॉन थ्रू ऑल ऑफ इट्स रेडी मनी। अब रेडी मनी का मतलब क्या होता है? जो अवेलेबल कैश होता है बैंक में, ठीक है। अब आफ्टरनून तक, उस दिन जो है दोपहर तक, बैंक का जो रेडी मनी था वो पूरा जो है ख़त्म होने की कगार पर आ गया। अब बैंक का रेडी मनी वो होता है जो फ़िलहाल कैश बैंक में अवेलेबल होता है, ठीक है। उसके अलावा जो इमरजेंसी फ़ंड होता है वो जो है अलग चीज़ होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितना बैंक के पास पैसा हो वो पूरा के पूरा उस वक्त उस बैंक में कैश अवेलेबल हो, ठीक है। फ़िलहाल के लिए वो लोग कुछ अमाउंट कैश रखते हैं जिसको हम कहते हैं रेडी मनी, ठीक है। अब वो भी जो था वो ख़त्म होने की कगार पर था। एंड द हरास्ड बैंक मैनेजर वॉज हेल्पलेस। अब जो बैंक मैनेजर था वो लोगों की बातें सुनकर, ताने सुन सुनकर पूरी तरह से जो है परेशान हो चुका था और पूरी तरह से वो थक चुका था। इमरजेंसी फंड्स कुड ओनली बी ऑब्टेन फ्रॉम वन ऑफ द गवर्नमेंट बैंक एंड नाउ इट वॉज नियरली क्लोजिंग टाइम। अब जो है इमरजेंसी फंड्स भी जो है वो जो है किसी एक जो है बड़ी गवर्नमेंट ब्रांच से बैंक की ब्रांच से ही निकाला जा सकता था और इतना वक्त तो लोगों के पास नहीं था क्योंकि जो बैंक का टाइमिंग था वो क्लोजिंग टाइम नज़दीक आ चुका था, ठीक है। द क्लर्क शट डाउन देयर काउंटर। अब जो है जैसे ही क्लोजिंग टाइम नज़दीक आ गया बैंक का, ऑब्वियसली जो क्लर्क्स थे उन्होंने क्या किया, अपने अपने काउंटर्स को बंद कर दिया। बट द पीपल गैदर्ड आउटसाइड on steps of the bank shouting we want our money give it to us today। लेकिन जो है लोगों ने जो है भीड़ जमानी शुरू कर दी बैंक के बाहर और जो है चिल्लाना शुरू कर दिया कि हमें हमारा पैसा चाहिए आज के आज। mischievous makers who did not have a paisa in the bank joined the crowd। यानी कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास खुद के पास एक रुपया भी नहीं था, एक पैसा भी नहीं था, लेकिन उन्होंने भी जो है क्या कर लिया, क्राउड को ज्वाइन कर लिया। द मैनेजर स्टूड एट द डोर एंड ट्राई टू काम हिज एंग्री कस्टमर। मैनेजर ने क्या किया, वो जो है डोर पर खड़ा हो गया और अपने जो गुस्सा हुए कस्टमर है उनको जो है वो शांत करने की कोशिश कर रहा था। ही डिक्लेयर दैट द बैंक हैड प्लेंटी ऑफ मनी that they could withdraw all they wanted the next morning, ठीक है। उसने ये declare कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है कि bank के पास पैसे ख़त्म हो गए या bank बर्बाद हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास बहुत पैसा है और आप लोग जो है आपका पैसा जो है अगली सुबह निकाल सकते हैं। We want it now। लेकिन crowd जो है सुनने को ready नहीं था, वो क्या कह रहे थे कि हमें जो है अभी हमारा पैसा चाहिए। A few stones were thrown and the manager retreated indoors, closing the iron grill gate. A brick hurtled through the air and smashed into the plate glass window. अब जो है कुछ पत्थर भी मारे गए। इस पत्थरबाजी को देखकर क्या किया मैनेजर ने, जो है वो ग्रिल जो है जो एक ग्रिल डोर होता है लोहे की सलाख वाला डोर होता है उसको बंद करने की कोशिश की, लेकिन एक जो है बड़ा ब्रिक जो है बड़ी ईंट, हर्टल का मतलब होता है उड़ते हुए, ठीक है, जो है हवा में उड़ते हुए आई और उसने जो है जो कांच की ग्लास थी, विंडो थी, उसको जो है वो जो है चकनाचूर कर दिया। देन द पुलिस अराइव्ड। अब इतना हंगामा हो जाने के बाद में जो है पुलिस आ गई। दे क्लेम द स्टेप्स ऑफ द बैंक एंड पुश द क्राउड बैक अंटिल द पीपल बिगेन फॉलिंग ओवर ईच अदर। अब जो है वो लोगों ने क्या कर लिया, जैसे ही पुलिस आई उन लोगों ने लोगों को पीछे की तरफ ढकेलना शुरू कर, इतना जो है बैंक से उन लोगों को दूर करने की कोशिश की कि जब तक जो है लोग एक दूसरे पर गिरने ना लगे। ग्रेजुअली एवरीवन डिसअपीयर शाउटिंग दैट दे वुड बी बैक इन मॉर्निंग। अब जो है पुलिस आ गई थी तो हर कोई जो है हटने लगा बैंक की तरफ से, लेकिन वो लोगों ने चिल्लाना शुरू किया कि हम जो है दूसरी सुबह ज़रूर आएंगे। नाथू अराइव नेक्स्ट मॉर्निंग टू स्वीप द स्टेप ऑफ द बैंक। अब जो है दूसरी सुबह एज़ यूजुअल जैसे नथु का काम क्या था, जो सुबह सुबह वो जो है आता था बैंक के स्टेप्स को झाड़ता था, वो दूसरी सुबह भी आया और उसने क्या, वो अपने काम करने के लिए आया ताकि वो बैंक के स्टेप्स को जो है झाड़ सके। ही सॉ द रिफ्यूज एंड ब्रोकन ग्लास एंड द स्टोन्स क्लैटरिंग
द स्टेप्स, अब उसने क्या देखा, जो जैसे पत्थरबाजी हुई थी, कांच के टुकड़े पड़े हुए थे ज़मीन पर, उसने जितना जो है इतना सब कुछ बिखरा हुआ देखा। अब रेजिंग हिज हैंड्स इन हॉरर ही क्राइड, अब वो जो है उसने डर के मारे अपने हाथ उठा लिए, ये क्या है ऑब्वियसली, कब उसने, उसको तो कुछ पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है, हालांकि जो है सब कुछ इतना जो तमाशा हो चुका था ये इसी की सैलरी ना मिलने की वजह से हुआ था, लेकिन उसको उस बात की कोई खबर ही नहीं थी। जैसे ही वो पहुंचा उसने इतना सब कुछ देखा अपनी आंखों के सामने कि हर चीज़ बर्बाद हुई पड़ी है, वो जो है बिल्कुल वो जो शॉक हो चुका था। गुंडाज होलीगन्स मेड दे सफ़र फ्रॉम अ 1000 इल्स, यानी वो जो पब्लिक जिसने ये सब किया था, वो लोगों क्या कहता है गुंडाज होलीगन्स, यानी जो तमाशाई थे जो जिसने जिन्होंने ये सब बर्बाद किया, उनको जो है वो जो है बुरा भला कहने लगता है। इट वॉज बैड इनफ बींग पेड इरेगुलरली, नाउ आई मस्ट सफ़र एन इंक्रीज ऑफ वर्क, पहले तो मैं इसलिए परेशान था कि मुझे जो है अपनी पेमेंट टाइम पर नहीं मिल रही थी, अब एक और इंक्रीज़ हो गया, ये जो बढ़ता हुआ काम मेरे सर पर आ गया, ये एक और जो है मुसीबत मेरे ऊपर हो गई। ही स्मैक्ड द स्टेप विथ हिज ब्रूम स्कैटरिंग द रिफ्यूज़, अब जो है वो जो है गुस्सा करने लगा, हर चीज़ पर जो है अपना गुस्सा उतारने लगा। गुड मॉर्निंग रथु, सेट सीताराम, अब जो है सीताराम दोबारा से आता है और नथु को क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग रथु। द वॉशरमैन्स सन गेटिंग डाउन फ्रॉम हिज बाइसिकल, बाइसिकल से उतरते हुए क्या करता है, नथु को कहता है गुड मॉर्निंग, आर यू रेडी टू टेक अप अ न्यू जॉब फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ, क्या तुम एक नई जॉब के लिए रेडी हो अगले महीने से, यू विल हैव टू आई सपोज नाउ दैट द बैंक इज़ क्लोजिंग, मुझे लगता है कि तुम जो है इस नौकरी को लोगे क्योंकि बैंक तो बंद होने वाला है। What did you say? said Natu. Natu ने कहा क्या कह रहे हो तुम, बैंक बंद होने वाला है? Haven't you heard? The bank's gone bankrupt. You would better hang around until the others arrive and then they start damaging your money too. You will be lucky if you get it. और वो क्या कहता है कि तुम्हें नहीं पता क्या कि बैंक जो है bankrupt हो चुका है, ठीक है, अब जो है तुम भी बेटर क्या है तुम्हारे लिए कि तुम भी जो है अपना पैसा निकाल लो और जो है यू विल बी लकी इफ़ यू गेट इट, अगर तुमको मिलता है तो तुम लकी होंगे क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें अपना पैसा मिलेगा। ही वेव्ड शेयरफुली एंड पेडल्ड अवे ऑन हिज बाइसिकल, अब जो है उसको बाइकर कहता है और जो है अपनी बाइसिकल पर निकल जाता है। नथु वेंट बैक टू स्वीपिंग द स्टेप्स मटरिंग टू हिमसेल्फ, When he had finished, he sat down on the bottom step to wait for the manager. He was determined to get his pay. अब जो है क्या करता है नथु, अब जैसे वो धोबी वहाँ से चला जाता है, वो अपने काम करने लगता है और काम करने के बाद में जो है वो नीचे के स्टेप पर बैठता है और किसका इंतज़ार करने लगता है, बैंक मैनेजर का। Who would have thought the bank would collapse? He said to himself. I looked thoughtfully across the street, wonder how it could have happened. अब जो है वो क्या सोचता है कि किसने सोचा था कि जो बैंक इतना बड़ा बैंक है वो कोलैप्स हो जाएगा, बैंक करप्ट हो जाएगा, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। मुझे तो सोचकर जो है क्या होता है, ताज्जुब होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब ये जो पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ था ये इसी लड़के की वजह से खड़ा हुआ था कि इसको जो है इसकी सैलरी नहीं मिल रही थी, अब इसी को खबर नहीं है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा बैंक जो है कोलैप्स हो गया। तो इसकी स्टोरी जो है जो लिखी गई है वो इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि कैसे एक फॉल्स न्यूज़, एक जो है गलत खबर, एक बड़ा बखेड़ा खड़ा कर सकती है। तो इस तरह से जो है स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, कहानी का जो है एंड आ जाता है। तो इस स्टोरी में हमने सीखा कि कैसे एक जो है फॉल्स न्यूज़ पूरा जो है एक डिज़ास्टर क्रिएट कर सकती। तो होप आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।